हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे ट्राई के नए रूल एंट्री 2.0 के बारे में ही। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बताया ही था 30 नवंबर को फाइनल जजमेंट आने वाला है, उसी को लेकर आज का अपडेट है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, अभी एक हमारी इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के नए टैरिफ ऑर्डर एनटीओ 2.0 से 30 नवंबर के कार्यान्वयन के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक समूह का अंतिम सुनवाई पोस्ट की है। इस बीच कोर्ट ने सभी पक्षों की परिषद को भी 12 नवंबर से पहले अपने लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। यानी कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं या जो भी चीज़ें, 12 नवंबर तक सब अपने अपने दलील पेश करके क्लियर करें ताकि 30 नवंबर तक जजमेंट दिया जा सके। जब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन द्वारा पहले दायर किए गए प्रयुक्तर के आधार पर संक्षिप्त दलीलें पेश की, लेकिन समय की कमी के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन निजी टीवी पत्रकारों का एक संगठन है। कुछ अन्य निजी चैनलों के जुलाई में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने एनटीओ 2.0 को संवैधानिक और बरकरार रखा है। प्रसारकों के अनुसार नया टैरिफ आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत पत्रकारों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रभाव डालता है। जनवरी 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा पारित एनटीओ 2.0 ने पे चैनल की कीमतों को मौजूदा ₹19 से ₹12 करने की मांग की। इस कदम का पत्रकारों ने कड़ा विरोध किया था, जिन्होंने इन आदेश को मनमाना और के रूप में चुनौती दी। अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए उन्होंने इसके कार्यान्वयन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि 30 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनटीओ 2.0 का संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, लेकिन आंशिक रूप से जुड़ाव शर्तों के दूसरे प्रावधान को मनमाना करार दिया। दूसरे प्रावधान के अनुसार बुके का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक पे चैनल MRP के अलाकाटे दरें किसी भी मामले से उस बुके के पे चैनल की औसत दर से 3 गुना से अधिक नहीं होगी। जिसका ऐसा पे चैनल है उनको बुके से निकालना होगा। इन सभी मुद्दों पे जो डिस्कशन हुआ था, जो अपडेट आई थी मेरे पास, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। और 30 नवंबर को फाइनल जजमेंट है, उसके बाद एनटीओ 2.0 का 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा गया है, जिस आधार पे सभी ब्रॉडकास्टरों ने अपना अलाकाटे बुके रेट ट्राई के नया रूल एनटीओ 2.0 के तहत बना दिया है। पैकेजेस भी दे दिए हैं, ऑलमोस्ट वीडियोस भी अपलोडेड हैं, मेरे प्रीवियस चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि नए MRP के तहत कौन से चैनल का कितना रेट है, तो टेलीग्राम पे चैनल है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, वहाँ पे भी मैंने अपलोड कर दिया है, जहाँ से आप सभी के सभी PDF डाउनलोड करके अपने पैकेजेस देख सकते हैं। तो इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।